तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एक नए चैप्टर्स का नाम है जो फर्स्ट वाला केमिस्ट्री एक अच्छा वाला का, फर्स्ट केमिस्ट्री में सबसे लास्ट चैप्टर। तो स्टार्टिंग लास्ट चैप्टर से करेंगे जो कि वो बहुत ही विशेष है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आने तो आने हैं। तो उस चैप्टर का नाम है उपसह संयोजन यौगिक। ये है चैप्टर्स का नाम। और वैसे इस चैप्टर को बोलते हैं कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री का एक अलग ही ब्रांच है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। तो ऐसे तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है हमको ये चेक करना है, इसके पहले थोड़ा सा और देख लेंगे। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से टोटल लिया गया चैप्टर है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इसको उपसहसंयोजन यौगिक कहेंगे। तो पहला पॉइंट ये है क्या, देखिए हम लोग जानते होंगे लवण किसे कहते हैं। वैसे हाई स्कूल में एक चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, हाँ अम्ल क्षार और लवण, बस वहीं से बना हुआ है अम्ल क्षार और लवण। अम्ल माने वे पदार्थ जो जल में घुल करके H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन दें उनको अम्ल कहते हैं, तथा वे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन देंगे उनको क्षार कह देंगे। हो गया ना, जैसे देखो यही समझना, लेकिन इस बेसिक पॉइंट देख लीजिए ना। अम्ल, अम्ल माने एसिड, एसिड जो खट्टा होता है स्वाद में उसे को बोलते हैं एसिड। वैसे अम्ल किसे कहेंगे जो जल में घुल करके H प्लस आयन दे, परिभाषा बहुत सिंपल है, वे सभी पदार्थ जल में घुल करके H प्लस आयन दे, H प्लस आयन जो दे देगा उसको अम्ल कहेंगे। जैसे जैसे H2SO4 इसको बोलते हैं, देखो नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल आरण मतलब ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल माने सिरका, देखो ये सिरका एसिटिक अम्ल, ये सब अम्ल है। क्यों? क्योंकि तोड़ेंगे ना इसको तो ये देगा आपको H प्लस एंड SO4 डबल माइनस, देखो H प्लस दिया मतलब ये अम्ल है। हाँ यहाँ पर दो है ना, ये यहाँ पर दो कर लेंगे H, इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस देगा, तो H प्लस इसमें मतलब ये अम्ल है HNO3, H प्लस एंड प्लस NO3 माइनस, H प्लस दिया मतलब है क्या है अम्ल है ना, इसको तोड़ेंगे तो ये देगा आपको CH3COO माइनस एंड H दिया, चाहे जहां दिया लेकिन दिया H प्लस। जब H प्लस देगा तो इसको बोलेंगे आप, या नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अम्ल। ये अम्ल होते हैं वे सभी पदार्थ जल में घुल करके H प्लस आयन दे या तो हाइड्रोनियम आयन दे। हाइड्रोनियम माने क्या होता है, हाइड्रोनियम माने H3O प्लस, तो जो H3O प्लस देगा वो हाइड्रोनियम आयन, वो भी तो अम्ल ही कहलाएगा, तो ये भी अम्ल है, ये सभी अम्ल है। अच्छा H3O प्लस कब आएंगे हमको तो पता चलो H प्लस आ रहा है, H3O प्लस कब आएगा, देखिए मान लो अपने पास HCl है, आप क्रिया करा देंगे जल में तभी तो घुलेगा, ये घोलोगे जल में इसको, इसको हटा देते हैं, बस वो दिक्कत कर रहे हैं, इसको हटा देंगे। देखिए ये टूटेगा पहले कैसे, एच प्लस एंड प्लस Cl माइनस, और जो एच प्लस है ना ये आकर के इस जल से मिल जाएगा, क्रिया कर लेगा इस, मिल जाएगा, तो एच दो था और एक ये एच तीन हो गया, एक ओ इसका जो प्लस है इस पर आ जाएगा, एच थ्री ओ प्लस बन गया, और क्या बचेगा Cl माइनस, उतार लेंगे इसको, देखो बन गया ना, इसी को बोलेंगे अम्ल। तो चाहे एच थ्री ओ प्लस बन जाए चाहे एच प्लस बन जाए इसको अम्ल बोलेंगे, डाउट नहीं रखेंगे आप। तो वे पदार्थ जल में घुल करके H प्लस आयन देंगे उनको अम्ल कहते हैं। अब देखिए सेकंड क्षार किसे कहेंगे, क्षार को बोलते हैं बेस, या तो बोलते हैं एल्कलियंस, बेस क्षार, क्षार उनको बोलेंगे जो आपको OH माइनस दे दे, वे पदार्थ जल में घुल करके OH माइनस, अगर OH माइनस दिया तो वो क्षार है, चाहे जो वो क्षार कहलाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तोड़ेंगे तो Na प्लस देगा और OH माइनस देगा, ऐसे जी अगर आप तोड़ेंगे MgOH2S को तो देखो OH दिख रहा है ना, तो दे देगा ये देगा Mg डबल प्लस एंड प्लस 2OH माइनस, देखिए हो गया। तो जो जो जल में घुल करके OH माइनस देंगे उनको क्षार कहते हैं, दो हो गया। अब देखिए लवण क्या होता है, ये हाई स्कूल का है सब टॉपिक,
लवण किसे कहेंगे? तो देखिए अम्ल और क्षार की क्रिया के, जो हम लोग लिखे हैं अभी, अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो भी पदार्थ बन जाएगा उसको लवण कहेंगे। जैसे जैसे अगर अपने पास मान लीजिए एक HCl है और अपने पास एक NaOH है, HCl और NaOH जब ये क्रिया करेंगे तो सबको पता क्या होगा, HCl और NaOH जब क्रिया करेंगे तो जल के अलावा जो बनेगा उसको लवण कहते हैं। देखिए क्या क्या बनेगा, सबको तो आइडिया होगा ही होगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ये देखो तो जल ये बना, इस जल के अतिरिक्त क्या बना है, NaCl, ये तो नमक है ना, तो इसी को बोलते हैं लवण। अब ये नहीं कि सर जगह नमक को ही लवण बोलेंगे, बहुत सारे होते हैं। तो ये हो गया अपना लवण। तो जब भी आप अम्ल की क्रिया क्षार से कराओगे तो जो बनेगा उसको लवण बोल देंगे, NaCl, देखो लवण हो गया। अब चाहे जो, जैसे देखिए मान लो अपने पास H2SO4 है और एक अपने पास एक ZnOH2 है, क्रिया करा देंगे आप इसका तो ये बना देगा ZnSO4 और प्लस ये बन जाएंगे 2H2O, दो बैलेंस करने के लिए, क्या डाउट रखिएगा। तो ये हो गया ZnSO4H2O, तो H2O के अलावा जो बना उसी को तो बोलेंगे लवण, मतलब ये भी लवण है ये भी लवण है, ऐसे लाखों लवण होते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जब क्रिया करेगा जिंक हाइड्रोक्साइड से तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा और यही लवण है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया जब कराओगे तो जल के अलावा जो बनेगा उसको लवण कहते हैं, समझ गए। तो आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। तो जब भी आप क्रिया कराओगे अम्ल और क्षार की तो हमेशा लवण ही बनेंगे जल के अलावा, और इसी क्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। यही तो है, ये भी एक लवण ही है इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए जी साल्ट, साल्ट तो हो गया। अब यही साल्ट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लवण कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ को बोलते हैं सामान्य लवण, सिंपल साल्ट, कुछ को बोलेंगे सामान्य लवण, सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट, और कुछ को बोलेंगे अम्लीय लवण, तो उसको बोलेंगे एसिडिक साल्ट, कुछ को बोलेंगे क्षारी लवण तो उनको बोलेंगे बेसिक साल्ट, या तो बोलेंगे एल्कलाइन साल्ट, बेसिक साल्ट। अच्छा सामान्य लवण जैसे NaCl, ZnCl2, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, ये सब सामान्य लवण है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, एक अम्ल और एक क्षार से मिला हो गया। और अम्ली किसको बोलेंगे, ऐसा लवण जिसमें एच प्लस आयन भी हो, तब ना बोलेंगे अम्ली, जो एच प्लस देगा। तो ऐसा लवण जिसके पास कम से कम एक एच हो उसको बोलेंगे अम्ली। जैसे मान लो अपने पास NaHSO4 है, ये देखो इसमें एक एच आ गया ना, मतलब ये अम्ली लवण हो गया। और कोई जैसे KHCO3 हो गया, तो ये देखो ये एच आ गया, मतलब ये अम्ली लवण है। और क्षारी वाले में कैसे होगा, जैसे मान लीजिए अपने पास ZnOHCl, अब अगर एक OH आ जाएगा बीच में तो क्षारी हो जाएगा, तो ZnOHCl ये लवण है लेकिन क्षारी है, इसी को बोलते हैं, यही सब है। तो सिंपल साल्ट हो गया, एसिडिक साल्ट हो गया, बेसिक साल्ट हो गया, और उन्हीं साल्टों में से एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। अच्छा कॉम्प्लेक्स के पहले एक और लिख लेते हैं मिक्स साल्ट, मिक्स, एक को बोलेंगे मिक्स्ड साल्ट, इसको बोलेंगे मिश्रित लवण। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें तो केवल एक Na+ Cl- सेम ZN धनायन जो एक ही प्रकार का है, यहाँ पर Cl दो है लेकिन एक ही प्रकार, दोनों Cl है ना, इधर Mg है और CO3, इधर देखो जी जो धनायन है वो भी एक ही है और CO3 जो है वो एक ही है। तो लगभग इन सभी में जो धनायन निडायन है वो ज्यादा प्रकार के नहीं है, केवल एक ही टाइप है। इसे NaCl तोड़ेंगे तो Na+ देगा, Cl- देगा, इसमें Br नहीं है ना, तो कोई और पोटेशियम है कुछ तो है नहीं, केवल सोडियम है। तो ऐसे को बोलेंगे सिंपल है। अब मिश्रित कब बोलेंगे, मिश्रित तब बोलोगे जब एक ही साल्ट में दो या दो से अधिक प्रकार के धनायन आ जाए या तो ऋणायन आ जाए। जैसे अगर बात करें NaAlCO3, अब देखिए इसको बोलेंगे मिश्रित लवण, चूंकि पूरा मिक्स है, ये सोडियम भी है, लिथियम भी है, कार्बोनेट फिर आ गया, तो इन्हीं को बोलेंगे मिश्रित। अच्छा एक और होता है डबल साल्ट, जिसको बोलते हैं धक लवण, डबल साल्ट, इसका नाम होता है जी धक लवण, इसको बोलेंगे द्विक लवण। यही द्विक लवण क्या होता है, अब जिसमें ऐसा लवण जो दो या दो से अधिक सरल लवणों से मिलकर के बना होता है, ऐसा साल्ट जो दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट से मिलकर के बना होता है उनको बोलेंगे द्विक लवण। जैसे जैसे फिटकरी K2SO4 Al2SO4 और N2 24H2O। देखिए एक तो पोटेशियम सल्फेट सिंपल साल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी सिंपल साल्ट है, दोनों मिल गए तो ये बन गया, तो इसी को बोलते हैं डबल साल्ट। हमको ये सब नहीं पढ़ना है, बस जानते रहिए, बस ऐसा होता है।
अब इन्हीं के अलावा एक अलग भी साल्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट ये देखिए यही है। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होगा, ये अलग ही होता है। ये जैसे जैसे K4FeCN6, जैसे K4FeCN6 इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये है K4FeCN6, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट। और ये जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है ना, इन्हें कॉम्प्लेक्स साल्ट को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यही पढ़ना आपको, मतलब ये साल्ट ही है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स माने क्या, कॉम्प्लेक्स साल्ट, हमको साल्ट पढ़ना है ना, यही साल्ट हमको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इस साल्ट इतने प्रकार के होते हैं, आप इसको लिख लेंगे बढ़िया से, बहुत सिंपल सिंपल है सब, सब छाप लीजिए। इसके सब एक एक एग्जाम्पल भी लिखाएंगे इधर, वो भी लिख लेंगे। अब जानते रहिए कि साल्ट भी ऐसा होता है। अभी तुमको केवल यही पता था कि साल्ट माने नमक होता है, नमक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, देखो सब साल्ट ही इधर है। तो साल्ट ये सभी है और कई प्रकार के भी होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर अम्लीय, एसिडिक, बेसिक, मिक्स्ड, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये वाला K4FeCN6 था, इसी को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट। पूरा पाठ में केवल यही पढ़ना हमको, कॉम्प्लेक्स साल्ट ही पढ़ना है, जो कि उसका नाम देखो कितना बढ़िया है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, देख करके डर लग रहा है। अभी आ जाएंगे तो थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन उतना भी टफ नहीं जितना गेम ये आएगा ही नहीं, अब बहुत सिंपल है और आ भी जाएगा, केवल आपको पढ़ना है, बस पढ़ने से आ जाएगा। देखिए सब लोग पढ़ पढ़ के तेज हो गए हैं। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स मतलब कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, K4FeCN6, यही पढ़ना हमको, केवल यही नहीं बहुत सारा। तो K4FeCN6 के जैसा अगर कोई दिखा तो वो समझ जाए कि वो कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो तरीका पहचानने का देख लीजिए, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, एक ही चेक कर लेते हैं इसके बारे में। K4FeCN6 हम लोग इसको डिफाइन करेंगे बढ़िया से कि ये है क्या, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनता कैसे, हो गया क्या, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए पहली बात तो केवल यही एक ऐसा साल्ट है जिसमें ये सब घेरा वाला रहेगा, ये घेरा, तो ये जो घेरा है ना ये किसी में होता नहीं है, केवल इसी वाले कंपाउंड्स में होता है और कहीं नहीं होता ये घेरा। तो ये जो घेरा है, इस घेरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फेयर, कोऑर्डिनेट, ORDINATE, कोऑर्डिनेट स्फेयर। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट स्फेयर, केवल घेरे का नाम है कोऑर्डिनेट स्फेयर, देखिए सबका नाम है, ये बड़ा कोष्ठक नहीं है, ये कोऑर्डिनेट स्फेयर है, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट स्फेयर। और इस कोऑर्डिनेट स्फेयर के अंदर अंदर देखिए आयरन है ये भाई, और ये साइनाइड सीएन, ये साइनाइड है, सीएन के छह है अड़ो, तो ये साइनाइड है। तो देखिए कोऑर्डिनेट स्फेयर के अंदर जो भी धातु का परमाणु होगा, देखो ये धातु का परमाणु है जी, ये धातु का परमाणु है, अब कोऑर्डिनेट स्फेयर के अंदर जो धातु का परमाणु होगा, देखो मैं लिख रहा हूँ मेटल, ये धातु का परमाणु मेटल से, तो जो धातु का परमाणु होगा उसको बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, इसको बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, और वैसे इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटम, मेटल एटम, ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल्स एटम, सेंट्रल मेटल्स एटम, CMA, ये CMA है, ये सेंट्रल मेटल एटम CMA, ध्यान रखेंगे CMA, देखो नया नाम मिला CMA। और ये जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर तो ये हो गया धातु, धातु के अलावा जो भी रहेगा इसके अंदर, चाहे जो रहे, जो भी रहेगा उसको बोलेंगे लिगेंड, इसको बोलते हैं लिगेंड्स, ये लिगेंड हिंदी में ही बोलते हैं, इसको लिगेंड्स कहते हैं, लिगेंड्स। तो ये जो है अंदर इसको बोलेंगे लिगेंड्स, धातु को छोड़ करके, क्योंकि धातु को तो बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और बाहर से मतलब नहीं हमको, बाहर जो रहेगा हो सकता है कि कोई कैटायन हो, मतलब धनायन, या तो कोई ऋणायन हो, कैटायन होगा इधर आगे होगा और ऋणायन होगा इधर आगे होगा, इस साइड होगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ खास बातें हैं, तीन खास बात है, एक तो इसमें कोऑर्डिनेट स्फेयर रहेगा, और एक सेंट्रल मेटल एटम CMA रहेगा, और एक लिगेंड्स रहेगा। थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया लेते हैं आज, फिर टॉपिक शुरू करेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम CMA जो होता है धातु है ना, देखो लिखा केंद्रीय धातु परमाणु, ये धातु होता है, लेकिन कहाँ का होता है, कैसा होता है, देखिए CMA सेंट्रल मेटल एटम, देखो बहुत ही विशेष कंपाउंड है जी ये, तो विशेष है तो विशेष लोग बनाएंगे भी। तो सेंट्रल मेटल एटम जो CMA होता है, धातु तो कई होते हैं लेकिन सब CMA नहीं होते हैं, धातु में वही CMA केंद्रीय धातु परमाणु वही होगा जो डी ब्लॉक इलिमेंट होगा। डी ब्लॉक इलिमेंट मतलब डी
उपकोष के जो तत्व रहेंगे केवल वही सीएम में बना पाएंगे और कोई सीएम में बना नहीं पाएगा। सेंट्रल मेटल एटम की उपाधि केवल इनको दी गई है और किसी को नहीं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट से ही केवल केंद्रीय धातु परमाणु का जगह ले सकता है और कोई नहीं। यहां पर जो रहेगा डी ब्लॉक का रहेगा, सीधा सीधा यहां पर जो रहेगा डी ब्लॉक का रहेगा, एस ब्लॉक का पी ब्लॉक रहेगा ही नहीं, इधर जो रहेगा केवल डी ब्लॉक का रहेगा। तो आपको इधर डी ब्लॉक का रखना है। तो देखिए अब डी ब्लॉक में जैसे, अरे जैसे पूरा डी ब्लॉक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कहां पर जिंक, पूरा 21 से लेकर के 30 तक डी ब्लॉक का तो है, उसके नीचे जो रखा गया सब डी ब्लॉक का है। टेबल में 20 में जो है यस और पी तो बगल बगल है, उसके 20 में पूरा का पूरा डी ब्लॉक है, उसी डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर रखे जाएंगे। और चूंकि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं संक्रमण धातु। एक नाम इनका ध्यान रखेंगे, इनको बोलेंगे संक्रमण धातु। देखो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको बोलेंगे संक्रमण धातु। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स, इनको बोलेंगे संक्रमण धातु। अब काहे बोलते हैं इसको चेक कर लेंगे, बड़ा बढ़िया है कि काहे इसको बोलेंगे संक्रमण धातु, और सबको तो नहीं बोलते, इन्हीं को बोलते हैं संक्रमण धातु। तो इनको बोलेंगे संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलेंगे संक्रमण धातु। तो यहां पर कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर हमेशा संक्रमण धातु ही होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होता है। और ये लिगेंड्स, लिगेंड्स है जो हो सकता है, लिगेंड्स है जो होगा, हाँ लिगेंड्स उसी को मानेंगे आप जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर हो। इनके पास कम से कम एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर माने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। जैसे देखिए ये है क्या लोन पेयर, जैसे NH3, ये एन सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये इसके पास एक लोन पेयर, देखो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, यही यही वाला जिसके पास रहेगा वही लिगेंड बनेगा, और सब नहीं लिगेंड बन पाएंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में जान लीजिए। ऐसा होता है जैसे K4Fe CN6, एक सिंपल सा लिया गया है, इसमें तीन बातें आपको सीखना है, कोऑर्डिनेट स्फीयर, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जो होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, और इनके पास एक लोन पेयर होता है, और ये क्या है केवल घेरा है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाहर जो होगा हो सकता है कि धातु परमाणु हो या तो अधातु परमाणु हो, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, सिंपल सिंपल मतलब रहेगा, पास रहेगा, उसको चेक कर लेंगे बाद में। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने एक समझा है, हमको पढ़ना है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे, बस अच्छे से आप रफ करते जाइए, बस फेयर करो चाहे मतलब, लेकिन रफ करते जाइए, इसको आप उतारते रहेंगे तो आपको सब आइडिया रहेगा हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार देख लेंगे सब याद हो जाएगा, इससे फायदा होगा आपको रफ करने में। अच्छे काम हो करिएगा यार, लाइक कर दीजिए, देखिए ना कि देख करके निकल जाए, थोड़ा लाइक कर दीजिए ना, लाइक करेंगे थोड़ा और हौसला बढ़ता है यार, चलो अच्छा बनाते हैं वीडियो, कल फिर से अच्छा बनाएंगे, थोड़ा लाइक कर दीजिए और लोगों को बताइए। क्लासेस चल रहा है सिंपल हिंदी में, किसी प्रकार का डाउट अगर कहीं पर आए तुरंत कमेंट करो, अगर डाउट से ज्यादा आए तभी कमेंट करो, सर जी हमको तो ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा भी कमेंट कर देंगे कि यार दिक्कत देखिए सर जी, कुछ भी हो आप डाउट करिए कमेंट करिए। धन्यवाद, सब्सक्राइब भी कर देना और लोग को बताइए, वो लोग सब्सक्राइब करें, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और देखते रहिए, क्रम से पर डे आपको वीडियो मिलेगा, बहुत ही जल्द सब कुछ कवर कर लेंगे। धन्यवाद।